डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है, अब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकारों से रूबरू हुई, इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूत रिकवरी की उम्मीद दिख रही है क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और मौत की दरें भी कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत में सालाना आधार पर 12% की बढ़त हुई है, जबकि सालाना आधार पर रेलवे के किराए में रोजाना 20% की ग्रोथ दिख रही है। बैंक क्रेडिट 23 अक्टूबर तक सालाना आधार पर 5.10% सुधरी है। शेयर बाजार इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उन्होंने डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इनकम टैक्स में राहत देने की बात कही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने नए राहत और इंसेंटिव की घोषणा की है ताकि देश में कोविड-19 की रिकवरी से निपटने में मदद मिल सके। मई 2020 से जो भी राहत केंद्र सरकार ने दी है उस राहत के प्रदर्शन का रिव्यू भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज 560 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। एफडीआई का निवेश अप्रैल से अगस्त के दौरान 35.37 अरब डॉलर रहा है, जो सालाना आधार पर 13% की बढ़त दिखा रहा है। द फॉर्मल सेक्टर विल बी कवर्ड बाय दिस फैक्ट दैट दिस 12% एंड 12% विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 65% ऑफ ऑल एम्प्लॉइज विल गेट। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, लगभग 95% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी, लगभग सभी संगठित क्षेत्र के लोग इसमें लाभ उठा पाएंगे। और 65% की जो आंकड़ा अभी कहा है वो अपने आप में दिखाता है, दोनों ही आंकड़े बहुत बड़े हैं, किस तरह से देश के करोड़ों मजदूरों को इसमें लाभ मिलने वाला है, कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। वी गो ओवर टू द सेकेंड अनाउंसमेंट। द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विच वॉज अनाउंस्ड इन द आत्मनिर्भर 1.0 गेट्स एक्सटेंडेड टिल 31st March 2021। You probably also were informed that from October it was extended till 30th November. Devashish is here, he can correct me. From October to it was extended by 1 month to reach 30th November as the deadline for the ECLGS scheme. But now we are extending it up to 31st March 2021. The details of the scheme is very well known to you, but I'll repeat. It is fully guaranteed loan, it is collateral free loan, and it gives additional credit of 20% of your outstanding loans, and outstanding loans will be decided based on your balance as of 29th February 2020, and outstanding credit limit was about 50 crores. So all this taken on board, we also then extended it for annual turnover up to 250 crores. Earlier we covered only 50 crores, then we moved over to 250. Earlier we covered only MSMEs, then during the tenure of it we extended it to even business enterprises and also for individual professionals. Mudra loans, all of them got covered. We kept expanding the scope of the ECGLS. I'm happy to report that as of 12th November, today 2.05 lakh crores have been sanctioned to 61 lakh borrowers, and of which 1.52 lakh crores have already been disbursed into the accounts of those borrowers. So that is where this is. The first announcement is that this gets extended till 31st March 2021. एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो प्रमुखता से शुरुआत में मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए शुरू की गई थी, जहां पर 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने की बात कही गई थी, और उसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं देनी थी, ना ही कोई गारंटी देनी थी, भारत सरकार के एक तरह से गारंटी पर यह पैसा बैंकों को आगे देना था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.